आइए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्लास 7 में भी थोड़ा बहुत हमने जानकारी ली होगी कि अगर किन्हीं नंबर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब यहाँ P और Q का मतलब हमें जानना होगा। P और Q क्या होंगे, P और Q इंटीजर्स होंगे और Q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसका कारण ये है कि अगर हम 5/0 लिखते हैं तो ये क्या है, इसकी वैल्यू नॉट एग्जिस्ट होती है या ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो ये रियल नंबर, तो ये नंबर में काउंट नहीं होता, इसलिए Q को जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 1/2, -3/5, 7/5, 0, 1, 2, 5 एक्सेप्टा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या इंटीजर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो कैसे, तो हम देख सकते हैं जीरो को हम ले सकते हैं 0/1, 1/1, 2 को लिख दिया 2/1 इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंटीजर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं तो उनको भी कुछ नाम देना होगा, यानी कि जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि नॉट इक्वल टू पी वाई क्यू फॉर्म, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं नंबर्स which cannot be written as क्या P upon Q form, ऐसे सारे नंबर which cannot be written as P by Q form, ऐसे सारे नंबर्स क्या होंगे, irrational numbers कहलाएंगे। अब कुछ examples भी होंगे irrational numbers के, square root sign के अंदर कोई भी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट साइन के अंदर कोई भी प्राइम नंबर जैसे कि √2, √5 और एक स्पेशल एग्जांपल है 1.01, जैसे मैंने लिखा 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 6 इस तरह से चलता जाएगा, तो इस तरह का एक्सपेंशन क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या कहने का मतलब है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब है खत्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा है और जो डिजिट्स हैं एक रेगुलर इंटरवल में एक जैसे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप देखिए 0-1 आया, फिर 0-0-1 आया, तो एक पैटर्न जो होता है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है, यानी कि हर बार डिजिट्स चेंज होते रहते हैं। ऐसा ही एक है पाई, हम जानते हैं कि 3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो पाई जो है इसे कम से कम 1 मिलियन डिजिट्स और इसके आगे लिखे जा सकते, तो पाई भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, या मैंने आपको ये नोट्स पहले दिए हुए हैं, तो थोड़ी सी ये जानकारी आप रखिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसा टर्म भी होना चाहिए जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठे कहने, इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं, वर्ड यूज होता है रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स, क्या कहने का मतलब है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारा जो क्लास 9 में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें यही किया जा रहा है कि हम
नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रीफ देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर, रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इनके डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स के दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहने का मतलब है, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए एक रैशनल नंबर लेते हैं 7/2। अब आप इसको डिवाइड करके देखें, 7 को 2 से, 2 3 6, रिमाइंडर आया 1, आपने एक डेसिमल लगाया, 0 रख प्लेस किया यहाँ, 2 5 10। तो आपने क्या देखा कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डेसिमल जो है का प्लेस का जो डिजिट है एक समय के बाद फिक्स हो जाता है, उसके बाद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी कि टर्मिनेट हो जा रहा है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस का। तो मान लीजिए हमने लिख लिया 13/3। अब आप देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रुकता नहीं है और एक या एक से अधिक डिजिट बार बार एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता रहता है। अब आप 13 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 3 9 बच गया, सॉरी 3 4 12 तो बचा 1, डेसिमल आया तो 3 3 9। तो हर बार आप देखेंगे तो ये कैसा आएगा, 4.33333 चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, डिजिट 3 जो है रिपीट हो रहा है बार बार और डेसिमल एक्सपेंशन रुक नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.3 जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार रख देते हैं, 4.33 बार का मतलब है कि जिस डिजिट्स के ऊपर बार रखा है वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 5.67 अगर आया तो 6 बार अगर मैंने लगाया तो इसका मतलब हुआ 5.67 67 67 67, इस तरह से चलता रहेगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आई आपके कि रैशनल नंबर्स के दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं इन रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, √2 √5 π और नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस। ऐसे सारे डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। कैसे, 1.01001 0002, इस तरह से, या 5.6752001 58। तो आप देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी डिजिट रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं ऐसे सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये तो हुआ हमारा जानकारी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस के